बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद अमजद आज एक और मालूमाती वीडियो के साथ हज़ारा व्यूज़ के तमाम नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, दुनिया मानती है कि आम फलों का बादशाह है और गुज़िश्ता 4000 सालों से काश्त होने वाला ये फलों का बादशाह गर्मियों के मौसम का ख़ास तोहफा है और आम की पैदावार के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जबकि दुनिया भर में आम की पैदावार का तकरीबन 76% हिस्सा एशियाई ममालिक फराहम करते हैं। पाकिस्तान में सिंध और पंजाब आम की पैदावार के लिए मशहूर हैं, जो तकरीबन 1,70,000 हेक्टर्स पर आम की पैदावार फराहम करने वाले बागात पर मुश्तमिल हैं, जिसमें 20 मिलियन टन के लगभग आम हर साल हासिल किया जाता है और पाकिस्तान में तकरीबन 200 से ज़ायद अकसाम के आम पैदा होते हैं, जो अपनी लज्जत, जायके और मेयार की वजह से पूरी दुनिया में बेहद पसंद किए जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी आम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, आम तो तकरीबन हमारे तमाम दोस्तों ने ही खाया होगा, लेकिन इसके बागात और ये किस तरह हम तक पहुंचाए जाते हैं, ये कम ही लोगों ने देखा होगा या जानते होंगे। इसीलिए आज हम आपको हैदराबाद सिंध में कोटरी के मकाम पर सकीना फार्म की कुछ झलकियाँ दिखा रहे हैं, जहाँ इस साल का आम तैयार हो चुका है और इसे दरख्तों से उतारने, उसके बाद सही और ग़लत जो इसमें पैदा होने वाले आम हैं उनकी छांटी करने और फिर उसको पैक करने के मनाजिर बहुत ही दिलचस्प हैं। ये यहाँ पैक होकर पूरे पाकिस्तान और इसके अलावा बैरूनी मुल्क भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो चलें दोस्तों, देखते हैं कि ये किस तरह मेहनत का काम है, क्या क्या किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी इन झलकियों में कि ये आम के ढेर लगाए हुए हैं और इनको टोकरियों में पैक किया जा रहा है। इसमें से जो ख़राब हैं उनको निकाल के साइड पे किया जा रहा है और जो ठीक हैं उनको एक अलग तरफ इकट्ठा किया जा रहा है और इसके बाद ये टोकरियों में पैक होंगे। टोकरियों में पैक होने के बाद फिर इनको पूरे मुल्क में जहाँ कहीं ज़रूरत होगी वहाँ भेजा जाएगा और बैरूनी मुल्क भी जहाँ कहीं इनकी ज़रूरत होगी वहाँ इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो अगर सही मानों में कहा जाए तो पाकिस्तान का आम पाकिस्तान के फलों की शान है। तो अल्लाह पाकिस्तान को हर साल इसकी पैदावार में मज़ीद बरकत अता फरमाए। चलें इस वीडियो को एंजॉय करते हैं तमाम दोस्त मिलकर, और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस काविश को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाकर आल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको गाहे बगाहे मिल सकें। और आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए, हमारी इस वीडियो पे मौजूद रहने के लिए। आइए आगे इस वीडियो का मज़ा लेते हैं। Yeah.